डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज अकाउंटिंग के अंदर जो हमने टॉपिक लिया है वो है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग का एक मेथड है। कॉस्टिंग का वो मेथड जिसके अंदर हम मार्जिनल मतलब एडिशनल प्रोडक्शन की कॉस्टिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंस करना जरूरी है। कॉस्टिंग तो क्या कहलाता है, कॉस्टिंग एक प्रोसेस होता है जो हमें हेल्प करता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्टिंग इज द प्रोसेस हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, वो क्या कहलाता है आपका, कॉस्टिंग कहलाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स कि जब हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, हम कॉस्ट डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, लेकिन हम कॉस्ट के और एलिमेंट को कंसिडर नहीं कर रहे, हम खाली किसको कंसिडर कर रहे हैं, मार्जिनल मतलब वेरिएबल एलिमेंट को ही हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग है क्या और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है। प्लस हम ये भी देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अदर नेम भी हैं, जैसे हम इसको ब्रेक इवन एनालिसिस भी बोलते हैं, इसी को हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है कॉस्टिंग की एक टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है कि जब हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो टोटल कॉस्ट के लिए हम टू क्लासिफिकेशन देखें, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग आपको हेल्प करती है कि टोटल कॉस्ट में से मार्जिनल या वेरिएबल पोर्शन कौन सा है और जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका फिक्स पोर्शन कहलाएगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक तरीके से एक प्रोसेस हुआ जो हमें हेल्प करता है डिफरेंस करने में, किसमें डिफरेंस करने में, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस करने में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट होता क्या है। जैसे कि मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्राइम कॉस्ट के एलिमेंट डायरेक्ट मटेरियल है आपका, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसिस है, ये तीनों तो आते ही हैं। इसके अलावा ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन भी आएगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग को यदि हम इकोनॉमिक्स टर्म्स में देखें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल मीन्स वन एडिशनल यूनिट, कि जब आप वन एडिशनल यूनिट्स को बनाने के लिए जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो वो क्या कहलाएगी आपकी, मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। मार्जिनल कॉस्ट का हम जैसे हम फॉर्मूला देखते हैं तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज हुआ है वो डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन में जो चेंज हुआ है, तो हमने एक यूनिट में प्रोडक्शन की बढ़ाई, चेंज इन प्रोडक्शन एक यूनिट हुआ, तो टोटल कॉस्ट में उससे जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है आपका, मार्जिनल या वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। अब हम बात करेंगे असर्टेनमेंट जब हम करते हैं तो हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट के लिए फिक्स्ड का भी वेरिएबल का भी। और यदि हम कॉस्ट के थ्री एलिमेंट की बात करें तो फिक्स्ड वेरिएबल के साथ साथ क्या आ जाएंगे, आपके सेमी वेरिएबल भी आ जाएंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट का जब हम असर्टेनमेंट करते हैं तो हम एक्सपेंसेस को डिवाइड करते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। शुरुआत करते हैं हम किसकी, वेरिएबल एक्सपेंसेस की। जैसा कि नेम से क्लियर है वो एक्सपेंसेस जो वेरी करते हैं, कहने मतलब ये हुआ जो कम डिक्रीज भी होते हैं, बढ़ते भी हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्रोडक्शन लेवल। कि सपोज मान लीजिए आप प्रोडक्शन लेवल को 20% बढ़ा रहे हो तो आपके एक्सपेंसेस भी कितना, 20% बढ़ रहे हैं, तो वो क्या है आपका, वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल एक्सपेंसेस है, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट है। इसके अगेंस्ट यदि आप देखें, आप यदि एक्सपेंसेस को डिक्रीज कर रहे हो, आप आउटपुट को डिक्रीज कर रहे हो, तो आपके एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो वो क्या आपका, वेरिएबल कॉस्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, सपोज मान लीजिए हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए मटेरियल जो रिक्वायर है एक यूनिट के लिए, तो दो यूनिट के लिए डबल मटेरियल चाहिए होगा, ऐसे ही जो लेबर एक यूनिट में रिक्वायर है वही सेकंड यूनिट्स में भी चाहिए होगी डबल, ऐसे एक्सपेंसेस भी डबल करने होंगे। तो ये जो आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन लेवल क्या होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। यदि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होते हैं, और यदि प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, फिक्स्ड एक्सपेंसेस की। फिक्स्ड एक्सपेंसेस की हम बात करें तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस इनकी नेचर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन के लेवल में चेंज होने के बाद बावजूद इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे एक्सपेंसेस में भी रिलेट हो सकते हैं आपका, सपोज मान लीजिए टाइम से रिलेटेड सैलरी है, इंश्योरेंस है, तो ऐसे एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं आपके, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जो किससे रिलेटेड होते हैं, टाइम से रिलेट होते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा जैसा कि हम घर पे देखें तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है जो हम पीरियोडिकल हम पे करते हैं, यदि हम रेंट हाउस में रह रहे हैं तो उसका रेंट जो है वो भी अपना क्या, टाइम के हिसाब से हम पे करते हैं। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो रहते हैं जो प्रोडक्शन में चेंज से इफेक्ट नहीं होते, वो टाइम पर डिपेंड होते हैं। वो किस पर डिपेंड होते हैं, टाइम। तो टाइम के बेस पर वो क्या होते हैं आपके, फिक्स रहते हैं। फिर हम बात करेंगे सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे हम देखें तो यदि आपका बिजली का जो मीटर बंद है तो आपका एक फिक्स चार्ज जो आता है तो ये आपका कहलाएगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहलाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम बिजली का मीटर बंद इन द सेंस कि घर पे कोई बिजली को यूज़ नहीं कर रहा, उस समय जो बिल आ रहा है वो फिक्स बिल आ रहा है, एक एवरेज बिल आ रहा है। फिर हम बात करेंगे कि उसी यदि हम बिल में हम देखें तो उसमें लिमिट्स का बाउंडेशन रहता है कि जैसे आपका आपका डोमेस्टिक के अंदर आप 100 यूनिट से कम यूज़ करते तो आपका फिक्स चार्ज इतना रहेगा, और 100 से ऊपर यूज़ करते तो इतना रहेगा, 200 पर इतना रहेगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक लेवल तक, 100 यूनिट तक या 200 यूनिट तक तो फिक्स रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
जाता है। तो जब एक्सपेंसेस का कुछ पार्ट कुछ लिमिट तक तो क्या रहता है आपका फिक्स रहता है, और कुछ लिमिट के बाद क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों ही चीज़ें होती हैं, कुछ कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका, सेमी वेरिएबल कहलाता है। ये आपका थर्ड टाइप था जो हम मार्जिनल कॉस्ट को जब हम असर्टेन करते हैं तो हम कॉस्ट का डिस्टिंग्विश करते हैं वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। अब हम बात करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस बोलते हैं। जैसे कि सीवीपी नेम से क्लियर होता है कि कॉस्ट वॉल्यूम, कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे कॉस्ट की बात करेंगे, हम सेलिंग प्राइस की भी बात करेंगे, वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन यूनिट्स की बात करेंगे, प्रोडक्शन लेवल की हम बात करेंगे, और पी का मतलब क्या हुआ, यहाँ हम प्रॉफिट्स की भी बात करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसी प्रोडक्शन लेवल की या कॉस्ट की या फिर प्रॉफिट लेवल की, हम रेवेन्यू की बात करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पर होने वाले प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, तो वो हमें जो सीवीपी एनालिसिस है वो हमें हेल्प करता है किसको मेजर करने में, कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वेरिएशन आ रहे हैं, किसमें वेरिएशन आ रहे हैं, वेरिएशन इन कॉस्ट आ रहे हैं, वेरिएशन इन वॉल्यूम आ रहे हैं, वेरिएशन इन प्रॉफिट्स आते हैं, तो उसमें जो वेरिएशन है उसको एनालिसिस में हमें हेल्प क्या करता है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस सीवीपी एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है। इसी को हम अदर सेंस में प्रॉफिट प्लानिंग भी बोलते हैं। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां देखेंगे कि हम अलग अलग, जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, ब्रेक इवन पॉइंट्स की हम बात करेंगे, हम प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमें हेल्प करता है, कॉस्ट की बात करता है, कॉस्ट के लेवल की बात करता है, एक्टिविटी लेवल, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पर कॉस्ट की बात करता है, सेल्स की बात होती है, हम कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस प्रॉफिट की बात करते हैं, हम प्रॉफिट में इतना इंक्रीज, हम सेल्स में इतना इंक्रीज डिक्रीज होने से प्रॉफिट में कितना चेंजेस होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, उसकी हम बात करते हैं। तो जो आपका सीवीपी एनालिसिस है वो आपको हेल्प करता है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर। जैसे कि आप देखें इंपॉर्टेंस भी सीवीपी एनालिसिस की है कि ये हमें हेल्प करता है कॉस्ट के बिहेवियर को एनालिसिस करने में, क्या करता है, हेल्प करता है वॉल्यूम प्रोडक्शन सेल्स में, हेल्प करता है प्रॉफिट्स के इंक्रीज डिक्रीज होने की हम एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं कि कितना आउटपुट प्रोडक्शन में चेंज होने पर प्रॉफिट में क्या चेंजेस आएगा, हम प्रोजेक्टेड हम आने वाले टाइम के लिए सेल्स का कोई एस्टिमेट करना चाहें तो वहाँ पे हमारा जो सेल्स का क्या प्राइस रखना है, हमें क्या टेंडर प्राइस देना है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस जिसको हम टेंडर प्राइस बोलते हैं वो क्या होगा, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल पर या सेल्स लेवल पर हमें क्या क्या प्रॉफिट्स, कितना प्रॉफिट हम अटेन कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों में सीवीपी एनालिसिस क्या करता है, हमें हेल्प करता है। जैसा कि आप देखें तो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीवीपी एनालिसिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मैनेजमेंट इन्वेस्टिंग, कि सीवीपी एनालिसिस हमें बजट लगाने में हेल्प करता है। बजट इन द सेंस ये हुआ कि आने वाले टाइम में हमारी इनकम क्या होगी, हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा, उस इनकम और एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करेंगे तो इनकम ज़्यादा हुई तो सरप्लस होगा, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुई तो डेफिशिएट होगा, तो उन सब चीज़ों की हम देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हमें चेंज इन प्राइस करना है कि प्राइस किसी प्रोडक्ट का बढ़ाना है, किसी का कम करना है, या फिर हमें प्रोडक्शन लेवल के अंदर यूनिट्स को बढ़ाना है या फिर कम करना है, या फिर कॉस्ट की कोई एलिमेंट जो है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस में कोई प्राइसेस में चेंज आ रहा है, या फिर फिक्स फैक्टर जो था उसका एक लेवल के बाद कोई चेंजेस आ रहा है, तो उन सब में हमें क्या करता है सीवीपी एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसी मार्जिनल कॉस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, सीवीपी एनालिसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं हम ब्रेक इवन एनालिसिस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स है। जब हम सीवीपी एनालिसिस करना चाहते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या माना जाता है, आपका ब्रेक इवन माना जाता है। ब्रेक इवन हमें सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को हेल्प करने में कैसे हेल्प करता है, उसको हम नीचे दिए हुए एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि हमें बताया कि ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी सेलिंग प्राइस और जो हमारी कॉस्ट होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ब्रेक इवन हर ऑर्गेनाइजेशन ही चाहता है कि उसको पता चले कि उसके कॉस्ट प्रॉफिट कहाँ पे हैं और उसके कहाँ से उसके कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों बराबर है और उसके आगे का जो उसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कहाँ से शुरू होने वाला है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को हम एक इंपॉर्टेंट टूल्स मानते हैं सीवीपी एनालिसिस को समझने में। जैसा कि आप देखें तो यहाँ पे हमने मार्जिनल इक्वेशन का एक स्टेटमेंट लिया है कि जो अपनी सबसे पहले जो सेल्स होती है, सेल्स में से हम लेस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, तो क्या आता है अपने पास, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम क्या लेस करते हैं, फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं, तो क्या आता है, प्रॉफिट्स आता है। अब हमने देखा कि जो हमारी सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, कॉन्ट्रीब्यूशन है और फिक्स कॉस्ट है, उसके बाद जो प्रॉफिट्स आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स इज इक्वल टू क्या रहता है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और टोटल कॉस्ट किसके बराबर रहता है, यदि हम टू बेसिस पर बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। हमें इसी टोटल कॉस्ट के प्लेस पे क्या लिखना है, सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। हमने टोटल कॉस्ट के प्लेस पर रख दिया, प्लस प्रॉफिट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो गई। यहाँ पे यदि हम LHS इक्वल टू RHS करना चाहते हैं तो हम वेरिएबल कॉस्ट को लेफ्ट साइड में लाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, तो ये क्या आ जाता है, अपना फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ जाता है। तो ये जो अपनी मेन इक्वेशन है, ये मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यही सब जगह काम आएगी। आगे आप देखेंगे तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो निकालते हैं, उसके दो बेसिस रहते हैं। जब आपको सिंगल पीरियड की इंफॉर्मेशन देता है, जब आपको टू पीरियड का कंपैरिजन करने के लिए बोलता है, टू इयर्स या एक इयर्स के टू हाफ करके बताता है आपको, तो टू पीरियड के अंदर आप कैसे प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस निकालते हो, जिसको हम पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोलते हैं। कुछ हम नोट्स भी पढ़ेंगे, फिर हम ब्रेक इवन पॉइंट्स पढ़ेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट्स को भी हम देखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट्स कभी हमें यूनिट्स में पूछता है जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, और कभी हमसे रुपीज़ में पूछता है जिसको हम वैल्यू या रुपीज़ बोलते हैं, और कभी कभी हमें क्या होता है कि ब्रेक इवन परसेंटेज में देता है, तो उस परसेंटेज की हेल्प से हम अदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये हम
आगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि पीवी रेशियो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हम कैसे निकालते हैं, और जो अपने बीपी रेशियो जो बीपी है वो कैसे हमें हेल्प करता है डिटर्मिनेशन में। फिर आएगा अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसे कि आपको बताया कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही स्टार्ट होता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम यदि निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। चाहे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यदि हम यूनिट्स में निकालना चाहें तो हम टोटल सेल्स जो थी उसमें से हम बीपी सेल्स यूनिट्स को लेस कर देंगे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें आ जाएगा, आपका यूनिट्स में आ जाएगा। यदि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें निकालना चाहें, रुपीज में निकालना चाहें, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में से हम क्या लेस कर देंगे, बीपी सेल्स रुपीज लेस कर देंगे। और ऐसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रुपीज हम परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। तो इस पर बेस्ड हम कुछ अदर अल्टरनेटिव फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। आप देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी नोट हमने लिखा है, बीपी में भी हमने नोट लिखा है, हमने पीवी रेशियो में भी नोट लिखा है। तो इन सब चीजों को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से आगे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।